टेंथ के बच्चे ध्यान देंगे बच्चों, कल आप लोगों ने सीखा था रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, और अब उसी संबंधित एक टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्रिटिकल एंगल। तो बच्चों पहले आपको सीखना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल, फिर आप सीखोगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके एप्लीकेशन भी है और इससे एग्जाम में आते भी हैं। तो देखो बच्चों, ये जो आपका क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो बच्चों आप जानते हो कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो बेंड होती है, वही क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपने सीखा था ना बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब बच्चों आपने ये भी सीखा था कि मीडियम अगर डेंसर से रेयर हो तो जो बेंड होगा वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा, मतलब नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या पाएगा कि आप इस रेंज को जितना अधिक करोगे इंसिडेंट एंगल को, ये रेंज उतने ही अधिक नॉर्मल से दूर होती जाएगी। अब देखो बच्चों, एक केस ऐसा भी हो सकता है कि जब आप एंगल का मान ज्यादा कर दो आई का मान, और ये जो नॉर्मल से अवे था ये बिल्कुल 90 डिग्री पर आ जाए। बच्चों फिगर नंबर सेकंड का लोग जान दो, बिल्कुल जस्ट 90 डिग्री पे। तो बच्चों जब जो हमारी रिफ्रेक्टेड रेज है वो 90 एंगल पर आ जाए तो उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। मतलब इस समय जो एंगल आप इंसिडेंट है वो क्या है, क्रिटिकल एंगल। मतलब जितने एंगल आप इंसिडेंट पर रिफ्रेक्टेड एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उसे कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अब ये हो गया क्रिटिकल एंगल। अब देखो बच्चों, अब जब आप इससे और आगे बढ़ोगे, मतलब अगर आप आई का मान और अधिक करोगे तो फिर क्या होगा, ये 90 से भी ऊपर बढ़ जाएगी। ये मतलब जिस मीडियम में लाइट गई थी उसी मीडियम में वापस हो गई, तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आई बात क्या चीज है ये? तो आप लोग ध्यान दो इस टॉपिक पे एक बार फिर से, जो है क्या टॉपिक है ये। तो बच्चों एक बार आप लोग फिर से समझ लो क्या टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। बहुत ही आसान चीज है, हम जानते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या होती है, बेंड होती है। ठीक, और अगर मीडियम का डेंसर से रेयर है तो वो अवे होगी। ठीक है बच्चों, और डिपेंड करती है इंसिडेंट एंगल पे। तो अगर आप इस एंगल का मान बढ़ाओगे तो ये लाइट उतनी अधिक अवे होती जाएगी। तो आप सोचो कि आप इतना अधिक एंगल कर दो कि ये 90 डिग्री पर अवे हो जाए, तो क्या क्रिटिकल एंगल। ठीक है बच्चों, और अब अगर एंगल का मान आपने और अधिक बढ़ाया तो क्या होगा, 90 से भी ऊपर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये देखो, तो ये क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि जब हम लाइट को इतने अधिक एंगल पर इंसिडेंट करें कि वो उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाए, तो वो क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इसमें कुछ डेरिवेशन भी है, आप ये ग्राफ ये फिगर बना लो और ये डेरिवेशन आप समझ लो, ये आप लोग देख के लिख लेना बुक देख के। अब मैं आपको थोड़ा सा डेरिवेशन सिखाऊंगा इसका। ठीक है बच्चों, तो अब देखो बच्चों, अगर आपको क्रिटिकल एंगल का मान निकालना हो तो आप जानते हो आपने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में एल इक्वल टू कितना आता, साइन आई अपॉन साइन आर, या एन क्या था रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो अब देखो बच्चों आपने क्या सीखा कि जब आपका रिफ्लेक्शन एंगल क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, मतलब एंगल आर कितना हो जाए 90 डिग्री, तब जो आई होगा एंगल आई वो कहलाएगा क्रिटिकल एंगल कहलाएगा सी। तो ये मान यहां रख दो, तो एन इक्वल टू आपका जाएगा साइन सी अपान साइन 90। बच्चों जानते हो साइन 90 का मान कितना होता है, एक होता है, तो जाएगा साइन सी अपान वन, यानी एन इक्वल टू कितना आ गया साइन सी। तो बहुत ही आसान है, अगर आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है तो क्या है जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होगा वही क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा। तो ये बच्चों आप लोग नोट कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ठीक क्रिटिकल एंगल के लिए। और इसके बाद हम सीखेंगे जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसके एप्लीकेशन क्या है, उसके यूज क्या है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो फिर आप लोग देखोगे